गैस पर बनाएं तंदूरी चाप एकदम इजी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी मसाला चाप बिना अवन और बिना तंदूर के। इसे मैं गैस पर ही बनाऊंगी। इसमें मैं स्मोकी तंदूरी फ्लेवर भी दूंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चाप बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। चाप बनाने के लिए हमें चाहिए चाप की ये 6 स्टिक्स, लगभग ये 300 ग्राम होगी। चाट मसाला, नमक, अजवाइन, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, लाल मिर्च, गाढ़ा दही, बेसन, प्याज इस तरीके से स्क्वायर्स में कटा हुआ, शिमला मिर्च ये भी ऐसे स्क्वायर्स में कटी हुई, कटा हुआ हरा धनिया और सरसों का तेल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें चाहिए कोयले का छोटा सा टुकड़ा और एक नींबू। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसन को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 4 चम्मच बेसन लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, हल्का सा ही इसे रोस्ट करना है। अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें हम सबसे पहले 4 चम्मच कर्ड डालेंगे। जो ये दही है अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दही पतला है तो आप इसे कपड़े में भी बांध के यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लेंगे 4 चम्मच बेसन। जितने चम्मच हमने दही ली है उतने ही चम्मच हम बेसन यूज़ करेंगे जो हमने अभी रोस्ट किया था। एक विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जिसे हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, और 1 चम्मच चाट मसाला। अब एक विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये दही, बेसन और ये मसाले सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे गर्मा गर्म सरसों का तेल। मैंने 3 से 4 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से फैलाते हुए हम इसे डालेंगे ताकि ये सारे मसाले भी पक जाएं और जो बेसन, दही ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा मैरिनेशन एकदम रेडी है। अब हम इसे ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम चाप रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाप लेंगे, उसकी स्टिक को इस तरीके से निकालेंगे और फिर हम इसे बीच में से कट कर देंगे। क्योंकि हमें इसे पहले फ्राई करना है तो पहले हम इसे कट करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम सारी चाप को काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में मीडियम टेम्परेचर पर ऑयल लेंगे। मैंने ये सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब जो चाप काटी थी हमने वो हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे ताकि ये चाप अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए चाप हमारी फ्राई हो गई है, हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो चाप को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में डाल के, लेकिन डीप फ्राई करने से की सारी लेयर्स अच्छे से पक जाती हैं, जिससे कि हम मैरिनेशन लगाएंगे तो अच्छे से चाप के अंदर तक मैरिनेशन चला जाएगा। हम इसे बीच में से इस तरीके से कट करेंगे ताकि ये चाप कहीं से भी फीकी ना लगे। नॉर्मली जो लोग चाप बनाते हैं वो कई बार अंदर से फीकी लगती है। हम इसे काटेंगे और उसके बाद मैरिनेशन में डालेंगे तो ये चाप अच्छे से अंदर तक पक भी जाएगी और इसकी हर लेयर में अच्छे से मसाला लगेगा, तो ये चाप खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। चाप कट के रेडी है, मैरिनेशन हमारा रेडी है। अब हम ये जो चाप है इस मैरिनेशन में डालेंगे। आप घर पे तंदूरी पनीर टिक्का भी बना सकते हैं, गैस पर तंदूरी मोमोज भी बना सकते हैं। इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं इनका लिंक आई बटन में डाल दूंगी। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, कटी हुई जो शिमला मिर्च थी वो डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब चाप, शिमला मिर्च और प्याज में अच्छे से मसाला लग जाए। अब बारी आती है इसे तंदूरी टेस्ट देने के लिए। उसके लिए हम कोयले को गैस पर जलाएंगे पहले, और फिर हम एक कटोरी में रख के इसे मैरिनेशन वाले चाप के बीच में रखेंगे और ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन डालेंगे, जिससे इसका स्मोक आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसे 30 सेकंड्स के लिए ढक देंगे। 30 सेकंड्स के बाद ये देखिए, इसमें पूरा स्मोक आ गया है और उसके अंदर स्मोकी टेस्ट चाप में आ गया है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब तरफ इसका जो टेस्ट है वो आ जाए स्मोक का। अब हम इसे गैस पे रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम ऐसी स्टिक्स लेंगे। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप वुडन स्टिक्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक शिमला मिर्च डालेंगे स्टॉपर के लिए इसमें। फिर हम इसमें एक चाप डालेंगे और फिर हम इसमें एक प्याज डालेंगे। इसी तरीके से हम चाप और प्याज और शिमला मिर्च इसमें लगा देंगे। जब घर पे गेस्ट ने आना हो तो आप इस तरीके से पहले से ही स्टिक्स रेडी करके रख सकते हैं और आप फटाफट फिर इसे गैस पे बस रोस्ट कर लें। आप इसमें टमाटर, अलग अलग कलर की शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारी स्टिक्स रेडी कर ली हैं। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम एक गैस पे इसे इस तरीके से ऊपर से सेकेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे क्योंकि हमने सब कुछ तो पहले ही पका लिया था। चाप भी हमने पका ली थी, बेसन को भी हमने रोस्ट कर लिया था। इसमें कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं है। हम इसे सिर्फ एक स्मोकी फ्लेवर और कलर देने के लिए इस तरीके से हम गैस पे इसे सेकेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे हमें हर तरफ से रोस्ट करने में। ये देखिए, हमारी चाप, प्याज, शिमला मिर्च सब कुछ अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम सारी स्टिक्स को ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसे एक बोल में निकालेंगे चिमटे की हेल्प से, क्योंकि स्टिक्स बहुत गर्म होती हैं। इसमें हम थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और हम इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे टैंगी टेस्ट के लिए। हमारी चाप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ टमाटो केचप भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।